रेहड़ में अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर उनका श्रद्धापूर्वक स्मरण किया गया। इस अवसर पर पाल समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे। क्षेत्र के गांव नारायणवाला में अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जयंती पूरी श्रद्धा भावना के साथ मनाई गई। पाल धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम में समाज से जुड़े लोगों ने रानी अहिल्याबाई होलकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। वक्ताओं ने उन्हें समाज सेवी एवं धर्म रक्षक बताया। बताया जाता है कि उन्होंने अपने शासन काल के दौरान सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया। उनका जीवन हमेशा समाज के लिए मार्गदर्शक बना रहेगा। इस अवसर पर पूर्व प्रधान जोगेंद्र सिंह, विधानसभा अध्यक्ष पाल, महासभा विजय पाल सिंह, नीरज पाल, सुशांत पाल आदि सहित पाल समाज के दर्जनों लोग मौजूद रहे। रेहड़ से मनोज गहलोत की रिपोर्ट। मातेश्वरी रानी अहिल्याबाई होलकर की 298वीं जन्मदिन मनाया जा रहा है ग्राम नारायणवाला में। ये वो महारानी है जिन्होंने मुगलों शासकों द्वारा सारे मंदिर तोड़ दिए गए थे, धर्मशालाएं तोड़ दिए गए थे। इन्होंने अपने दम पर 30 वर्षों तक इंदौर में राज किया और तमाम मंदिरों का निर्माण कराया। मोदी जी ने भी इनके नाम पर एक प्रतिमा बनारस में लगाई। तो ये महारानी रानी अहिल्याबाई होलकर पाल समाज होलकर वंश से हैं जिन्होंने पूरे समाज में एक जागृति लाई और हिंदू वंश के प्रथम शासिका है। और ये जो है पूरे विश्व में इनका जो है एक महिला शासक के रूप में, भारतीय महिला शासक के रूप में प्रथम स्थान है।